बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है। बुलंदशहर से बड़ी खबर, जिले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 7 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब की जब्त। वार्ड 20 के प्रत्याशी पति सहित 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। औरंगाबाद व ककोड़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर अवैध शराब को जब्त किया गया है। बुलंदशहर से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 7 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब को यहां पर जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि वार्ड 20 के प्रत्याशी पति के साथ ही 2 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा। जी अनिल, 7 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है, साथ ही साथ वार्ड 20 के प्रत्याशी पति के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के औरंगाबाद और ककोड़ पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते पंचायत चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए जो शराब लाई जा रही थी उसको बरामद किया। करीब शराब 211 रुपए की औरंगाबाद पुलिस ने 201 और ककोड़ पुलिस ने 10 पेटी बरामद की है। और जब इनकी कीमत मार्केट में 7 लाख से बताई जा रही है, उसको लेकर अगर हम बात करें तो जनपद बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जहाँ जिस तरह से लगातार जहरीली शराब से मौतें हो रही थी, मौत की जनपद बुलंदशहर में आज से 6-7 दिन पहले 3 लोगों की मौत हुई थी जो प्रत्याशियों द्वारा दी जा रही थी। और यहाँ हम बात करते हैं तो जिला पंचायत के प्रत्याशी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पुलिस जनपद बुलंदशहर की पुलिस इस मोड़ पर दिखाई दे रही है, जहां शराब माफियाओं पर कहर बनकर टूट रही है। अगर इसी तरह से जनपद बुलंदशहर की पुलिस अगर कार्रवाई करती रहे तो हो सकता है कि आने वाले जो पंचायत चुनाव में लगातार शराब की जा रही है उसको कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा सकती है। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए अनिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुलंदशहर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर 7 लाख रुपए की अवैध शराब को जब्त किया गया है। पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बुलंदशहर जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 7 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया है, साथ ही साथ प्रत्याशी पति के साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है।